सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी जरूर दबा दो, दबा दिया घंटी भी दबा दे। वीडियो को लाइक कर दो, खाने खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना। यार अगर आपको भी इसी टाइप का स्टेट से वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको पता ही होगा ये वाला सॉन्ग जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे, तो आप तो सुने ही होंगे। तो आपको भी अगर वीडियो एडिटिंग करना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं भाई तेरा मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। सिंपल से आपको कोई सा भी ब्राउजर को ओपन करना है, एंड देन सिंपल से आपको क्या करना है, न्यू टैब में एक ओपन करना, मतलब कि मैं न्यू टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना, सर्च करना इस टाइप से, आपको ये लिख लेना ऑफिशियल आर्सी टैच, बस स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेगा, न्यू टैब से ओपन नहीं होगा, तो आप स्पेलिंग ध्यान से देख लें और देन जैसे सर्च ऑप्शन पर टैप करोगे तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। देन आपको क्या करना गाइस, यहाँ पर थंबनेल शो है और जैसे ये लिखा हुआ ना टाइटल द टॉप 10 मोबाइल वीडियो एडिटिंग, तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है जिस भी आर्टिकल का, जो भी आर्टिकल का नेम होता है ना उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, तो आप इजीली से उस वाले आर्टिकल का नेम को कॉपी करके और ये सर्च का आइकन है तो इस पर सर्च करके आप इजीली से फाइंड कर सकते हो उस वाले आर्टिकल को। देन यहाँ पर स्लाइड करके नीचे की ओर जाओगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड वाला बटन। सो यहाँ पे ये डाउनलोड वाला बटन, देन इस पर टैप करके इजिली से आप चले जाओगे डाउनलोड पेज पे। देन गाइस फिर आपको क्या करना, फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना, आपको लाइट मोशन को ओपन करना और उससे पहले प्रोजेक्ट सारे इंपोर्ट कर ले, फॉन्ट वगैरह सारा कुछ इंपोर्ट करें। देन आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन में जाना एंड बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस टाइप से सॉन्ग एंड बीट मार्क्स लगे होंगे, तो गाइस यहाँ पे लाइट्स भी खुद लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और यहाँ पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे तीन लेयर देखने को मिलेंगे, तो सिंपल से आपको क्या करना, यहाँ ऊपर वाले दो लेयर को कॉपी करें, ठीक है, कॉपी लेयर करें, ठीक है, और जो नीचे इमेज है ना, सॉरी यहाँ पे ये कॉपी लेयर करना, ठीक है, तो ये टैप करके और डबल डबल पे टैप करके कॉपी लेयर करना, और जो इमेज है ना गाइस उनको क्या करना, उसका उस पर टैप करना इफेक्ट का ऑप्शन, थिएटर पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, ठीक है। और देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना और यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में जाना, देन गाइस वाले पॉइंट पे देन प्लस के ऑप्शन पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको कोई सा भी इमेज को पहले चूज कर लेना। देन गाइस इस स्टेप से आपको इमेज को पहले ले लेना, और इमेज को ले लेने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पे इस स्टेप से पहले जूम कर लेना, तो देख सकते हो, तो आपको क्या करना बेटर क्वालिटी वाला देख ले कोई सा भी इमेज। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हैं, आपको मैं बता देता हूँ कुछ ये वाला इमेज का क्वालिटी ठीक है, बाकी सारे इमेज की क्वालिटी को मैं ठीक करके दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और भी HD क्वालिटी में, तो आपको इजिली से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। देन गाइस इस वाले पॉइंट पे आ जाना और इस वाले पॉइंट पे तक इमेज को लाने के लिए आपने इमेज पे टैप करना और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहाँ तक ला सकते हो। देन इस पे टैप करना गाइस और यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद गाइस इसके ऑपोजिटी को आपको थोड़ा सा कम कर लेना, और कम करने के बाद यहाँ पे आपको लाइट्स को लिखना, तो उसके लिए आपको इस वाले पॉइंट पे आना, डबल डबल पे टैप करके पेस्ट टू लेयर पे टैप करना, देन अगले पॉइंट पे जाना और इन दोनों लेयर को आगे वाले पॉइंट तक लाना, तो उसके लिए आपने लेयर पे टैप करना एक एक करके, देन स्पीड वाले ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन टैप करके इसको यहाँ तक, देन फिर से आपको इस पर टैप करना इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे, और ये देख सकते हैं एक लाइरिक्स तो हमने लिख ही लिया, देन इसी को हम कॉपी लेयर कर लेते हैं, और कॉपी लेयर करने के बाद यहाँ पे किसी स्टेप से पेस्ट करेंगे और इन दोनों लास्ट वाले एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। सो देख सकते हो इस स्टेप से कट कर लें और इसको एडिट टेक्स करने, मतलब एडिट टेक्स करके इसका लिरिक्स को चेंज करेंगे। सो कैसे करेंगे, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे कुछ इस स्टेप से सॉन्ग के लिरिक्स को लिख लेना, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया गाइज, और देन गाइज आपको इसी टाइप का सेम, और यहाँ जो एक यहाँ पे आपको एक ये इमोजी देखने को मिल रहा है उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना, ऊपर वाले लेयर पे टैप करोगे, एडिट टेक्स्ट में जाओगे और यहाँ पे आपको कोई सा भी इमेज को डाउनलोड देख लेना, मतलब जो भी आप रखना चाहते हो ना वो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से रख लिया और यहाँ पे ये वाला फॉन्ट को चूज करके रखे, ठीक है गाइस। तो होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको लाइट्स को लिखना है, तो यहाँ पर मैं लाइट्स लिख के बताता हूँ आपको क्या करना है। आ जाना, देन आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है गाइस या नीचे, तो प्लस के ऑप्शन पर टैप करना, मीडिया के ऑप्शन में जाना और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना, थिएटर पर टैप करके फील
कंपोजिशन एरिया, अगले बिट मार्क पे जाए, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर लें, देन फिर से गाइस प्लस पे टैप करें मीडिया का ऑप्शन में, और यहाँ पे इस टाइप से इमेज को इंपोर्ट करें, अगले बिट मार्क पे जाके कट कर लें, देन फिर से प्लस पे टैप करें मीडिया का ऑप्शन में, अगले इमेज को इंपोर्ट करें और इस टाइप से बिट मार्क पे जाके कट कर लें, देन इसी टाइप से गाइस अगले इमेज को भी इंपोर्ट कर लेना, और इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना, अगले बिट मार्क पे जाके कट करना, और सेम प्रोसेस है गाइस सभी बिट मार्क पे फोटोशॉप को इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ, आपको भी इसी टाइप से इंपोर्ट करना, एंड देन इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको जो है इफेक्ट लगा के बता दूंगा। तो मैं फाइनली ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपको प्लस के ऑप्शन पे टैप करना और यहाँ से इमेजेस सबको इंपोर्ट करते रहना। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, दो तीन रह गया यार। यहाँ पे फाइनली मैंने सभी बिट मार्क पे फोटो सबको इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और जैसे ओपन करके यहाँ पे तीन इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सिर्फ सबसे पहले वाले इफेक्ट को कॉपी करना। सो यहाँ पे इफेक्ट टैप करके यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर देना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आ जाना, और यहाँ पे आपको चले जाना अपने सॉन्ग बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट में, और देन गाइस आपको सबसे पहले वाले फोटो को ओपन कर लेना, कुछ इस वाले पॉइंट पे आ जाना, ठीक है। और यहां से लेके आपको अगले वाले डबल बिट मार्क पर एक ही इफेक्ट को पेस्ट करते रहना। सो सिंपल से आपको क्या करना, इमेज पे टैप करने इफेक्ट का ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, इमेज पे टैप करने इफेक्ट का ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। सो फाइनली हमने कर लिया, देन गाइस आपका पहले इफेक्ट का काम खत्म हो गया। अब दूसरे इफेक्ट को कॉपी करेंगे, तो सिंपल से आपने इमेज पे टैप करने इफेक्ट का ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करेंगे, सॉन्ग बिटमार्क वाले को वापस से ऑन करेंगे, और देन गाइस यहां पे आपको इस वाले पॉइंट से लेके, और देन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, तो ये तीन इमेज पे आपको सिंपल से पेस्ट कर लेना, और पेस्ट करने के बाद इन तीनों को एक लास्ट वाले इमेज पे आपको सिंपल से पेस्ट कर लेना। सो फाइनली काम खत्म हो गया, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना, अब तीसरे वाले इमेज पे टैप करके इफेक्ट को कॉपी करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, सॉन्ग बिटमार्क वाले को ओपन करना, और बीच में जो तीन फोटो रह गए गाइस उन सब को इस पे आपने पेस्ट कर देना। सो ये वाले तीन फोटो पे आपको पेस्ट कर देना, सिंपल से आपने इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थिएटर पे जाके पेस्ट, इमेज पे टैप करना, फैक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। सो गाइस यार यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन वापस से ओपन करना, और नीचे एक कलर लिख के रखा हुआ है रेक्टेंगल, तो उसको कॉपी ले करें, और सॉन्ग बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना, और जहाँ से इमेजेस इंपोर्ट हुआ ना गाइस उस वाले पॉइंट पे आना, डन डबल डब्ल्यू पे टैप करके पेस्ट लेयर पे टैप कर देना। सो देख सकते हो ये आ गया, देन आपको एंडिंग में जाना और इस पे टैप करके रखना, ठीक है, इस पे एक बार टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहां तक ले आना। सो फाइनली हो गया, और लास्ट वाला इमेज मैं फिक्स कर लूंगा, देन गाइस आपको ना सिंपल से सेटिंग के राइट साइड में आइकन में उस पे टैप करो, वीडियो पे टैप करो, एक्सपोर्ट पे टैप करो, तो ये जो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कुछ इस टाइप से वीडियो को बना ले, एक्सपोर्ट कर ले, कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार हम तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें। सो गाइस यार मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।